हेलो एवरीवन। तो आज हम व्हाई नॉन कोऑपरेशन यहाँ से पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करने की सोची थी, ठीक है, दो चीज़ों के लिए, खिलाफत के लिए भी, स्वराज के लिए भी, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम साथ में आके लड़ें और तभी हमें इंडिपेंडेंस मिल पाएगी। तो देखते हैं, तो फिर इसके लिए व्हाई नॉन कोऑपरेशन, मतलब हमने नॉन कोऑपरेशन को ही क्यों चुना, तो देखते हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, ओके, याद रखना प्लीज नाम, ठीक है, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस and had survived only because of this cooperation. मतलब non cooperation हमने क्यों choose किया, क्योंकि गांधी जी को लगता था, और यही सच है कि British rule India में इसलिए बन पाया क्योंकि Indians ने contribute किया, right? Indian ने cooperate किया, अगर वो cooperate नहीं करते तो British rule India में नहीं हो पाता। If Indians refused to cooperate, to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. अगर Indians cooperate करने से मना कर दें तो British rule बहुत जल्दी आ जाएगा, sorry, British rule बहुत जल्दी हट जाएगा इंडिया से, ठीक है, और स्वराज आ जाएगा, okay? How could non-cooperation become a movement? तो एक non-cooperation movement कैसे बन सकता है? गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages. The movement should unfold in stages, मतलब कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, movement की सारी चीजें एकदम से नहीं करनी है, पहले कुछ फिर कुछ, ठीक है, धीरे धीरे चालें चलनी है। It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, school and foreign goods. तो basically ये चालू कैसे होगा, मतलब अपना जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो चालू कैसे हुआ? सबसे पहले हमें जो टाइटल्स दिए हैं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने हमें कुछ टाइटल्स दिए हैं, मतलब हमें जब काम पे रखा तो हमें कुछ टाइटल दिए, तो उन टाइटल को हमें छोड़ना है, उनके दिए हुए जॉब्स को हमें बायकॉट करना है। तो इससे हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है, बायकॉट, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, ठीक है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। अब अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन शो किया, मतलब कि हमें फोर्स किया कि नहीं हमें काम करने की ज़रूरत है, तब एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, तब एक पूरा सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the government. मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने मतलब बहुत जगह टूर किया, मतलब बहुत जगह गए वो लोग और वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट गेन किया, okay? Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. ठीक है, तो Congress में सिर्फ गांधी जी नहीं थे, और भी बहुत members थे, right? तो ये जो कुछ members थे Congress में जिनको ये जो proposal था उसके बारे में अभी you know they were not so sure. वो भी सोच ही रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम उनकी सर्विसेज को बायकॉट कर देंगे, ठीक है, उनका जो इलेक्शन होने वाला है उसमें पार्ट नहीं लेंगे जो कि नवंबर 1920 में होने वाला है, तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, एक बहुत पॉपुलर वॉयलेंस, ठीक है, बहुत हिंसा हो सकती है देश में। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. ठीक है, तो September और December का जो month था, उसमें Congress में एक intense tussle था, ठीक है, मतलब कि बहुत you know सोच की you know वो थी, क्या बोलूँ मैं, जैसे कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो ये problem थी, intense tussle मतलब कि थोड़ी सी अनबन सी थी। For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. तो एक point तो ऐसा आ गया था कि कोई meeting नहीं हो रही थी,
ठीक है, सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, जो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे और जो इस आइडिया को अपोज कर रहे थे, उनके बीच में कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, इतनी बात बिगड़ चुकी थी। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, ठीक है, वन सेकेंड, फाइनली कांग्रेस सेशन हुआ, ठीक है, नागपुर में दिसंबर 1920 को अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज डेवलप्ड। तो गांधी जी ने सबके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन जो प्रोग्राम है उसी को अडॉप्ट किया गया, मतलब वही फाइनल हुआ कि ये हम कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है, तो ये हम अभी देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लो कि हमने नॉन कॉपरेशन को क्यों चुना, ठीक है, इसके अगर पॉइंट्स अगर कोई पूछे तो हमने नॉन कॉपरेशन को क्यों चुना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वाई नॉन कॉपरेशन, तो नॉन कॉपरेशन क्यों? ब्रिटिश रूल केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, That's the reason need to stop cooperating, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चालू हुआ, ठीक है, तो कैसे सबसे पहला पॉइंट क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, राइट, क्या गवर्नमेंट ने जितने भी टाइटल्स दिए हैं उन सबका बॉयकॉट करना था हमको, है ना, जितने भी पुलिस आर्मी एनी जॉब जो गवर्नमेंट ने दी है उसका बॉयकॉट करने से एक नॉन कॉपरेशन हो रहा था, नॉन कॉपरेशन का पहला स्टेप था, ठीक है, उसे बायकॉट कर देना। उसके बाद क्या था, ठीक है, अगर इफ गवर्नमेंट शोज वायलेंस अ सिविल बीडियंस would be launched, ठीक है, तो इस टाइम तक ये जो भी टाइम चल रहा है, ठीक है, ये नवंबर 1920 दिसंबर 1920 इस टाइम तक ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी सिर्फ डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये जो डिसीजन है उसमें ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप डिसाइड किया जा रहा है कि हम करेंगे क्या जब हम नॉन कॉपरेशन को यू नो प्रैक्टिस में लाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि बायकॉट ऑफ टाइटल्स, ठीक है, जितने भी काम मतलब जितने भी इंडियन लोग हैं जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं वो अपने टाइटल्स छोड़ देंगे, अपनी जॉब छोड़ देंगे, वो कॉपरेट करना छोड़ देंगे, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज की कमी हो जाएगी, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज इंडिया पे रूल करने के लिए इंग्लैंड से नहीं ला सकते, दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट क्या थी, अगर ब्रिटिशर्स ने थोड़ी सी भी वायलेंस शो करी तो हम क्या करेंगे, एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे, ठीक है, लॉन्च कर देंगे, तो ये सब अभी सिर्फ डिसाइड हो रहा है, ठीक है, फिर ओके डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट मॉड्यूल। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921
Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत ये एक ही हो गया था. ठीक है, गांधी जी स्वराज और खिलाफत के लिए दोनों के लिए लड़ रहे थे. तो दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्चुअली यू नो डिवोट्स टू बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. ठीक है, याद रखना ये डेट, याद रखना. ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. ठीक है, ओके. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विद इट्स ओन एस्पिरेशन. मतलब कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, ठीक है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि औरतें, यू नो मुस्लिम्स, हिंदूज, फार्मर्स, वो बहुत सारे सोशल ग्रुप ने इसमें पार्ट लिया. लेकिन सबका अपना अपना एस्पिरेशन था, सबकी अपनी अपनी नीड थी, सबको अपने फायदे दिख रहे थे कि जब स्वराज होगा तो हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा. ठीक है, तो सबने गांधी जी के कॉल ऑफ स्वराज, मतलब गांधी जी ने जब लोगों को बुलाया कि अब हमें स्वराज चाहिए, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शो करेंगे, तो बहुत लोग आए, मासेस में लोग आए. बट द थिंग वॉज, सबकी जो जरूरतें थी वो अलग अलग थी. ठीक है, द मूवमेंट इन द टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. ठीक है, याद रखना, जब मूवमेंट चालू हुआ तो सबसे पहले किन्होंने पार्ट लिया, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हुई सिटीज में. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को छोड़ दिया. ठीक है, स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया. हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड. ठीक है, जितने भी हेडमास्टर थे, टीचर थे, जो इस उनके ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया. And lawyers gave up the legal practices. ठीक है, और जो lawyers थे उन्होंने अपनी legal practices छोड़ दी. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. ठीक है, तो जो council election थे वो हर जगह पे boycott कर दिए गए, हर जगह पे boycott कर दिए गए, मद्रास को छोड़ के. याद रखना कि जो जब जनवरी 19 में अपना ये non cooperation चालू हुआ, तो almost सबने ये जो election था, जो ब्रिटिशर्स जो इलेक्शन करवाते थे, उसको बायकॉट कर दिया. ठीक है, उसमें पार्ट नहीं लिया, एक्सेप्ट मद्रास. ठीक है, मद्रास में क्यों? क्योंकि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, जो वहां पे रूल कर रही थी, वो ब्राह्मण हाँ, तो जो जस्टिस पार्टी थी वो ब्राह्मण की नहीं थी. ठीक है, दैट वाज ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी तरह, क्या बोलते हैं, इस काउंसिल में रहेंगे, ब्रिटिश के काउंसिल में रहेंगे, तो हम पावर गेन करेंगे. ठीक है, और पावर उस टाइम पे जो पावर होती थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती थी. तो नॉन ब्राह्मण्स को लगा कि हम काउंसिल में ही रहते हैं, ठीक है, तो हम पावर गेन करेंगे, और पावर गेन करने की वजह से क्या होगा कि हम ब्राह्मण की मतलब बराबरी कर पाएंगे. सो दैट व्हाट दे वर थिंकिंग. इसलिए मद्रास में जो थे, सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन मतलब यहाँ पे इलेक्शन बायकॉट नहीं किए गए, लेकिन बाकी जगह इलेक्शन बायकॉट कर दिए गए थे. द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. ठीक है, तो अगर हम इस नॉन कॉपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए, मतलब इकोनॉमी, मतलब पैसों के मामले में अगर देखा जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या इफेक्ट रहे हैं, तो बहुत ड्रामेटिक थे. ठीक है, जैसे कि फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिक्टेड, एंड फॉरेन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स. तो अब नॉन कॉपरेशन में हमने क्या किया कि जितने भी फॉरेन गुड्स इंडियंस यूज कर रहे थे और उनका बिजनेस बढ़ा रहे थे, वो गुड्स हमने यूज करना बंद कर दिया. ठीक है, जो लिकर शॉप, जो दारू के जो शॉप्स होते हैं, ठीक है, उन वो बंद कर दिए गए. और फॉरेन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स. ठीक है, तो जो फॉरेन क्लोथ, जो क्लोथ बाहर से आते थे, ठीक है, और हम खरीदते थे, वो यूज करना हमने बंद कर दिया. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922. तो जो ये फॉरेन क्लोथ हम इम्पोर्ट करते थे, वो आधा हो गया. मतलब जो भी क्लोथ से ब्रिटिशर्स को बिजनेस हो रहा था, वो आधा हो गया. कब? 1921 से 19, मतलब एक साल के अंदर अंदर जो हमारा यू नो यूसेज था उन क्लोथ्स का, वो आधा हो गया था. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 crores टू ₹57 करोड़. मैंने बोला कि जो यू नो प्रॉफिट थी वो एकदम आधी हो चुकी थी.
तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 102 करोड़ से 57 करोड़ पर पहुंच गई थी। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेड्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड और फाइनेंस फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने मना कर दिया फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड का, यू नो मतलब ट्रेड करने से मना कर दिया जहाँ पे फॉरेन गुड इन्वॉल्व हो, ठीक है। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब क्या था कि अब बाहर की चीजें जो हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, हम बाहर के कपड़े यूज नहीं कर रहे, तो अब कपड़े तो चाहिए ना, लेकिन तो अब क्या, अब इंडियन मिल्स और इंडियन हैंडलूम्स जो थे वो ऊपर उठने लगे। क्यों? क्योंकि इंडियन सब इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो इंडियन हैंडलूम्स मतलब इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स और इंडियन हैंडलूम्स ऊपर जाने लगा, ठीक है। देन बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। लेकिन ये जो मूवमेंट था वो सिटीज में यू नो स्लो डाउन हो गया, मतलब धीरे धीरे बंद होने लगा क्योंकि बहुत सारे रीजंस के वजह से, जैसे कि खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो जो खादी की जो क्लोथ होती है वो इतना ईजी नहीं होता उसको प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, ठीक है। तो जो खादी होती है वो बहुत महंगी होती है, खादी का जो क्लोथ होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन से जो मटेरियल आता था, जो क्लोथ्स आते थे, वो बहुत सारे क्वांटिटी में बनते थे और मशीनों से बनते थे उस टाइम पे, तो वो सस्ते होते थे। अब जो गरीब आदमी है, भले उसको नॉन कोऑपरेशन में पार्ट लेना है, लेकिन अब वो क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो खादी खरीदे, राइट। अब उसको क्या करना है, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसको कपड़े चाहिए, तो अगेन वो थोड़े टाइम बाद कहाँ चले जाएगा, उन्हीं के पास चला जाएगा और वो वही कपड़े खरीदेगा, ठीक है। तो अगेन प्रॉफिट किसका होने लगा, फिर से ब्रिटिशर्स का ही प्रॉफिट होने लगा, फिर से हम खादी छोड़ के उधर जाने लगे, ठीक है। ओके, हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। तो ऑब्वियसली बात है, फिर मिल्क क्लोथ को बहुत टाइम के लिए बायकॉट नहीं कर सकते। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्ड अ प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। Alternative Indian institutions has to be set up so that they could be used in the place of the British ones. ठीक है, तो ब्रिटिश की जो इंस्टीट्यूशंस थी वो तो हमने छोड़ दी, लेकिन काम पड़ रहा है हमको, जैसे कि हमने क्लोथ में देखा, क्लोथ हम उधर का छोड़ देंगे लेकिन कहीं ना कहीं का तो पहनना है ना। तो खादी तो थी पर खादी महंगी थी, बट यहाँ पे क्या था कि जो अगर हमने ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिए तो उनकी जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाओ, these were slow to come up. अब ये इतनी जल्दी तो आ नहीं सकता, एक रात में तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है इनके आने की। सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, देश को बचाने के लिए, ठीक है, देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए कोई अपना घर पानी नहीं छोड़ सकता, अपना खाना पानी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। बहुत टाइम तक सब ये नहीं कर पाएंगे, राइट। तो भले हमने उस टाइम के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए, क्लोथ छोड़ दिए, उनका प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन ऐसा कब तक करेंगे। हाँ, उसकी जगह पे हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट ही नहीं है कि हम उसको यूज करें, हमारे पास इंडियन जॉब्स ही नहीं है, ठीक है, कि हम उसको यूज करें। तो बेसिकली कुछ टाइम में नॉन कोऑपरेशन की बहुत यू नो धूम चली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स टीचर सब वापस यहीं पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में ही जाने लगे, अपनी जॉब वापस पकड़ने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बता देती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कि मिडिल क्लास से चालू हुआ, स्टूडेंट ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने, सब ने अपना ये जॉब छोड़ दी, ठीक है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिया, इलेक्शन में पार्ट लेने से इलेक्शन को बायकॉट कर दिया गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद जो फॉरेन गुड्स थे, ठीक है, उन्हें बंद कर दिया गया, लिकर बंद हो गई, ठीक है, लिकर यूज करना बंद कर दिया गया, जो फॉरेन मिल से जो क्लोथ्स आते थे वो यूज करना बंद हो गए और उसकी जगह पे क्या यूज होने लगा, खादी यूज होने लग गई, ठीक है। उसके बाद एक ये भी चीज अच्छी है कि 1921 और 1922 के बीच में जो फॉरेन मिल के जो क्लोथ्स आते थे उससे जो प्रॉफिट होता था वो हाफ हो चुका था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड फोल्ड क्या था, कुछ टाइम बाद लोग वापस जॉब करने के लिए जाने लगे, कुछ टाइम बाद जो पुअर यू नो कॉमन मैन था, जो पुअर मैन था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खादी का क्लोथ यूज करे, ठीक है, तो वो वापस उन्हीं के प्रोडक्ट यूज करने लगा। तो दिस इज द थ्री मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ओके,
इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली ने चालू किया, मिडिल क्लास टुक पार्ट फर्स्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यू नो पीपल बॉयकॉट जॉब्स, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, है ना, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। देन व्हाट हैपेंड? खादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो खादी को जरूर इंक्लूड करना अपने पॉइंट में, ठीक है। यूज ऑफ खादी वॉज मेड, ठीक है, इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस है ना, अब लोग थक गए, अब लोगों के पास इतना धैर्य नहीं था बेसिकली, ठीक है। After some time, people went back to their jobs. ठीक है, और प्रॉब्लम तो पता ही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट नहीं थे उस टाइम, उसको फॉरेन यू नो प्रोडक्ट्स को कंपीट करने के लिए। सो हाउ कैन वी फाइट, राइट? वी कैन नॉट जस्ट स्टॉप यूजिंग इट। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इन टू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। उसके बाद क्या हुआ? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये तो सिटीज में चली रही थी, सबसे पहले ये सिटीज में यू नो मोबिलाइज हुई थी, सारे लोग यहीं पे पार्ट ले रहे थे। बट फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड होने लगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होने लगी, और फिर ये पीजेंट्स और ट्राइब मतलब कि कंट्री साइड, मतलब कि वो जो थोड़ी रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी गई, ठीक है। वहाँ पे जो फार्मर्स थे, वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब के किसी ट्राइब के पीपल्स थे, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया, ठीक है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, ठीक है, तो याद रखना प्लीज, अवध में जो पीजेंट्स थे वो दे वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचुअर लेबरर, ठीक है। एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी भी गए हुए थे एक लेबरर बनके पहले, ठीक है। तो द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। पीजेंट्स हैड टू डू बिगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विथआउट एनी पेमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मूवमेंट थी, ये जो यू नो ये जो मूवमेंट थी जो बाबा रामचंद्र कर रहे थे अवध में पीजेंट्स के लिए, किसके खिलाफ थी? ये तलुकदार्स के खिलाफ थी, ये तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, ठीक है, पीजेंट्स से, ठीक है। पीजेंट्स को, इन पीजेंट्स मतलब समझ रहे हो ना, फार्मर्स को इसके वजह से बेगर करना पड़ रहा था, ठीक है। बेगर मतलब कि लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विथआउट एनी पेमेंट, मतलब कि तुम्हारे पास बहुत सारा कर्जा है, तुम्हें हमें बहुत सारी यू नो हमें पेमेंट करनी है और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, तुम हमारे यहाँ काम कर लो, हम तुम्हें कोई सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। तुम जो काम कर रहे हो, ठीक है, वही तुम्हारा रीपेमेंट होगा, जो हमने तुम्हें लोन्स दिए हैं या तुम्हें जो पैसे चुकाने हैं हमको। सो दिस वॉज वॉट बेगर वॉज, ठीक है। तो वही वो लैंड जो किसान थे, जो छोटे छोटे किसान थे जिनका कुछ भी यू नो कर्जा बचा हुआ था होता था, वो क्या करते थे, उनको लैंडलॉर्ड्स के फार्म पे वर्क करना पड़ता था विथआउट एनी पेमेंट, ठीक है। कब तक चलेगा ये, मतलब उस
पीजेंट को भी तो खर्च खाना है, फार्मर्स को भी तो कुछ खाना है, हाउ कैन एनीवन वर्क विथआउट एनी पेमेंट फॉर सो लॉन्ग. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. और इसके खिलाफ बाबा रामचंद्र जो थे, ठीक है, वो इसका खिलाफ कर रहे थे. ठीक है, देन अस टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, तो ये जो भी ये ना ये जो चीज हो रही थी जो बाबा रामचंद्र कर रहे थे, ये जो तो उसमें क्या था, अवध में क्या मांगे हो रही थी कि ये जो मूवमेंट है, ठीक है, उससे जो ये रेवेन्यू मांगा जा रहा है वो कम किया जाए, ये जो बेगर वाली जो चीज हो रही है इसे बंद किया जाए, ठीक है, और ये जो ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ बेसिकली ये मूवमेंट हो रहा था. इन मेनी प्लेसेस नए धोबी बांध्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंड लॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन. तो बहुत सारी जगह नए धोबी बांध्स बनाए गए, ठीक है, धोबी बांध तो पता ही है ना, बनाए गए ताकि और किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा, ठीक है, ताकि जो लैंड जो लोगों को लैंड लॉर्ड्स के पास काम करना पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ उस वहाँ से इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है, वहाँ पे काम ना करना पड़े और इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध. ठीक है, तो प्लीज़ याद रखना ये डेट. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 1920 में अवध में आए. ठीक है, उन्होंने सबसे बात की, विलेजर से बात की और उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश की. बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. तो अक्टूबर तक क्या, ये जून में आए 1920 में, अक्टूबर तक क्या हुआ, एक अवध किसान सभा बन गई थी, एक और किसान सभा बन गई थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेडेड थी. मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था, इसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स. ठीक है, तो बाबा रामचंद्र भी इसके मेन मेंबर थे और कुछ और लोग. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. ठीक है, तो कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही महीनों में 300 branches बन गई. ठीक है, वहीं पे आसपास की जगह में, आसपास की villages में 300 branches बन गई, उसी region के around. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो Awadh के जो peasants हैं, उनकी जो स्ट्रगल है वो किसी फ्रीडम के ऊपर नहीं है. उनकी स्ट्रगल क्या है कि हमको ये बेगार वाला काम नहीं करना, बेगर वाला काम नहीं करना, ठीक है, हमको इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं देना, इतना ज्यादा रेंट्स नहीं देने, ठीक है. और उनकी लड़ाई बेसिकली तलुकदार की तरफ थी, लैंड लॉर्ड की तरफ थी. लेकिन जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने उनकी हेल्प करी, वहां पे औध किसान सभा बनाई और फिर उन्होंने सोचा कि अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही है, अवध के जितने भी फार्मर्स हैं उनको किसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ लिया जाए. देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात यही थी कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इफेक्ट, ठीक है, इसीलिए मास जनरेट करा जा रहा था यहाँ पे. सो ठीक है, तो क्या कोशिश थी कांग्रेस की, ठीक है, तो जब इस साल कांग्रेस मूवमेंट बिगन हुआ तो क्या हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट. ठीक है, इंटीग्रेट मतलब कि अवध के पीजेंट्स को इस स्ट्रगल में किसी तरह जोड़ लेने की इनकी कोशिश थी. द पीजेंट मूवमेंट हाउ एवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद. ठीक है, लेकिन द पीजेंट मूवमेंट कुछ इस तरह से चालू हुआ कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विथ इट. ठीक है, दे वर अनहैप्पी विथ इट. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेस ऑफ तलुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर. ठीक है, तो जैसे ही ये मूवमेंट चालू हुआ 1921 में, ठीक है, तो जितने भी तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट्स के जो हाउसेस थे उन पे अटैक कर दिया गया. ठीक है, बाजार, जितने भी बाजार थे उस टाइम पे उनको लूट लिया गया. ठीक है, और ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, मतलब जहाँ पे ग्रेन रखा जाता है बहुत बड़े अमाउंट में, उसे भी लूट लिया गया. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor.
तो बहुत जगह पे मतलब इन मेनी एरियाज लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने क्या फार्मर्स को क्या बोला कि गांधी जी ने बोला है कि जो टैक्सेस है वो बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे और जितने भी जो लैंड है वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा गरीबों के बीच में। ठीक है, जो गरीबों से लैंड लिए हैं वो वापस किसके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उन्हीं गरीबों के बीच में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गांधी जी ने सच में नहीं बोला था। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इनवोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। ठीक है, तो अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतने सारे सोशल ग्रुप्स थे और सबके अपने अपने फायदे थे, तो उन्होंने क्या धीरे धीरे चालू कर दिया कि गांधी जी के नाम से हर चीज करवा लेते थे। ठीक है, गांधी जी के नाम से सारी जनता उनके फेवर में हो जाती थी। ठीक है, तो गांधी जी ने ये कहा वो कहा, ये चीजें चल रही थी। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, तो रेबेलियन इन द कंट्री साइड, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि रूरल एरियाज में भी स्प्रेड होने लगी चीजें। ठीक है, उसके बाद अवध में जो लोग थे उनको तालुकदार से प्रॉब्लम थी, लेड बाय बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में बता दे रही हूँ कि सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अवध फार्मर्स हरा फाइट विद तालुकदार्स एंड देवर रिवोल्टिंग अगेंस्ट देम। ओके, ठीक है, मैं यहां पे बनवा देती हूँ। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी अवध वालों को। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले तो अवध वालों को तालुकदार से प्रॉब्लम थी। क्यों तालुकदार से क्यों प्रॉब्लम थी, बिकॉज पर आस्किंग फॉर हाई रेवेन्यू and farmers cannot afford it. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू came to Awadh to help farmers. ठीक है, he formed Odh किसान सभा, Odh किसान सभा। ठीक है, whose 300 branches were soon made और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, नाउ ऑल दीज पीजेंट्स वर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नाउ ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे।
In the Gudam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. ठीक है, तो जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, ट्राइबल पीजेंट समझ में आ रहा है, वो फार्मर्स जो किसी ट्राइब से बिलोंग करते थे. ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. ठीक है, मैंने कहा सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, सबकी अपनी अपनी नीड थी. तो उन्होंने यहाँ पे जो ट्राइबल पीजेंट थे, उन्होंने महात्मा गांधी के जो स्वराज का जो आइडिया था उसको अपने ही तरीके से लिया. ठीक है, उन्होंने इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो गुदेम हिल्स है वहां पे एक गुरीला मूवमेंट जो था वो बहुत चल रहा था. गुरीला मूवमेंट बहुत चल रहा था 1920s में. नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव. ठीक है, वो एक ऐसा स्ट्रगल नहीं था जिसको कांग्रेस अप्रूव करे. ठीक है, Here, as in other forest regions, the colonial movement had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. ठीक है, तो जैसे कि बहुत अलग अलग regions में, बहुत सारे अलग अलग regions में जो Britishers थे उन्होंने क्या करके रखा था, उन्होंने colonial government ने क्या करके रखा था कि जो forest areas था उसको सीज करके रखा था, उसमें आना जाना बंद करके रखा था, और वहाँ के जो tribes थे उनको बाहर निकाल दिया गया था. ठीक है, अब जो वहाँ के ट्राइब जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका तो सारा काम वहीं से होता है, वो अपने कैटल्स को वहाँ से ग्रेस करते हैं. ठीक है, फ्यूल वुड लकड़ियाँ वहीं से काटते हैं. ठीक है, फ्रूट्स सारा काम उनका फॉरेस्ट से होता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे आना जाना बंद कर दिया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से, तो अब इन लोगों को, ट्राइबल पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. This enraged the hill people. ठीक है, इस वजह से hill people को बहुत गुस्सा आ रहा था. Not only were their livelihoods were affected, but they felt that their traditional rights were being denied. ठीक है, तो ना तो सिर्फ उनका livelihood affect हो रहा था, मतलब उनका रोज का खाना पीना, जीवन पानी affect हो रहा था, but साथ में उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो traditional rights है, ठीक है, वो भी deny हो रही थी. मतलब उनको जो हमेशा से जो rights मिले गए हैं, हमेशा से दादा परदादा जो वहीं पे उनके रहे हैं, अब उनको वो rights नहीं दिए जा रहे हैं, अब उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है. When the government began forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted. अब government क्या चाहती थी? एक तो उन्होंने उनका tribe ले लिया. अब government चाहती थी कि वो beggar करे, ठीक है, beggar करे road building के लिए वहां पर, ठीक है, उस जगह पे. तो द थिंग वाज कि बेगर, हम जानते हैं क्या होता है बेगर, मतलब कि आप वर्क करो विदाउट एनी पेमेंट. ठीक है, तुम्हें जबरदस्ती वर्क करा जाएगा और तुम्हें कुछ पेमेंट भी नहीं दी जाएगी. ठीक है, तो दैट्स बेगर. तो जब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी उसने फोर्स किया कि चलो काम करो, हमें यहाँ पे रोड बिल्ड करनी है, तो वहाँ के जितने भी पीपल थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. ठीक है, उन्होंने लड़ाई चालू कर दी. द पर्सन हु केम टू लेड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर. अब जो पर्सन उनको लीड करने के लिए आया, उनका यू नो लीडर बनने के लिए आया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, अलूरी सीताराम राजू. ठीक है, क्या नाम था उसका? अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स. उसने ये बोला कि मेरे पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं. He could make correct astrological prediction and heal people. ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि मैं astrological predictions अच्छे कर लेता हूँ और लोगों को heal भी कर देता हूँ, क्या पता maybe with some tricks वो कर भी देता हूँ. ठीक है, तो and he could survive even bullet shot. उसने ये बोला कि अगर मुझे गोली भी लगेगी तो मैं जिंदा ही रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा. So these are the special power that this person was having. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. ठीक है, तो जब राजू ने ये सारी बातें बोली तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि वो गॉड का इनकार्नेशन है, मतलब कि वो भगवान का अवतार है. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. ठीक है, although वो उसने बोला कुछ भी, but at last एक चीज़ अच्छी थी कि उसने किसको support किया, महात्मा गांधी को support किया, उसने non-cooperation को support किया, और उसने लोगों से ये बोला कि आप non-cooperation movement को support करो, खादी को use करो और drinking को छोड़ दो. ठीक है, तो Raju talked the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time he asserted that Indian could be liberated only by the use of force and non-violence. तो मतलब गांधी जी तो ये कहते थे, वो बोल रहा था, मतलब ये जो राजू बंदा था उसने उसको वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर था, लेकिन गांधी जी क्या बोलते थे कि हमें जो वॉयलेंस नहीं करना है. ठीक है, हमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है. बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडियन कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स
नॉट नॉन वायलेंस, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने क्या बोला कि अगर हमें लिबर्ट मतलब अगर हमें जीतना है, अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि नॉन वायलेंस का, ठीक है। नॉन वायलेंस से हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमको फोर्स की जरूरत है, हमें ताकत की जरूरत है। तो बेसिकली ही वॉज अगेंस्ट महात्मा गांधी, बट काइंड ऑफ सपोर्टिंग हिम। The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured, executed in 1924, and over time become a folk hero. ठीक है, तो राजू कैप्चर कर दिया गया कुछ टाइम बाद, 1924 में उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया, and over time become a folk hero. और उसके बाद वो एक folk hero बन गया। folk hero मतलब कि कहानियों में एक हीरो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये सब लिख लेना कि जब नॉन कोऑपरेशन चालू हुआ तो कहाँ पे क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो इन आंध्र प्रदेश, सॉरी, देश नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। क्यों क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या थी उनको ब्रिटिशर्स? Has ceased their traditional forest. So their livelihood was affected. And thus, they revolted. ठीक है, second क्या है? They were led by, क्या नाम था इनका? एलूरी सीताराम राजू। Who inspired them to use force and because of which people got violent. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो वन सेकेंड, हाँ चलो, ये तो हो ही जाएगा आज। स्वराज इन द प्लांटेशंस। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड प्लेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। ठीक है, तो अब क्या था, जो वर्कर्स थे उन्होंने स्वराज को अपने ही तरीके से लिया, एक अलग तरीके से लिया। अब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, याद रखना, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, उनके लिए फ्रीडम क्या थी? उनके लिए फ्रीडम ये थी कि जो एक कन्फाइंड एरिया है, जो एक एरिया है जिनमें उनको बंद कर दिया गया है, बस वहां से किसी तरह निकलना, वहां से किसी तरह आना जाना हो सके, ठीक है, वो जब चाहे उधर आए, जब चाहे कहीं चले जाए, जिस गाँव से वो आए, जिस विलेज से वो आए हैं, जो फैमिली है उनकी, उनसे मिलजुल सकें। So this was the only freedom they want, ठीक है, क्योंकि उनको उस जगह पर ही बंद करके रखा गया था। ब्रिटिश उनको कहीं आने जाने नहीं देती थी, इवन अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं दे रही थी, ठीक है।
ये अंडर द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो जो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, तो उसमें क्या लिखा होता है कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो विदाउट परमिशन टी गार्डन्स को छोड़ नहीं सकते थे। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। इनफैक्ट उनको बहुत ही रेयरली ऐसी परमिशन दी जाती थी। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। जब उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो उन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, मतलब उन्होंने अथॉरिटीज के खिलाफ हो गए, वो उनसे लड़ लिया, उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और हेडेड होम, ठीक है, मतलब वो घर घर चले गए। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। अब उन्होंने अपने से ही ये सोच लिया, अपने से ही अपने दिमाग में डाल लिया कि गांधी राज आ रहा है, ठीक है, गांधी राज आ रहा है, इसलिए सबको एक एक लैंड मिलेगी अपने अपने विलेज में, ठीक है, सबको एक पीस ऑफ लैंड मिल जाएगी अपने अपने विलेज में, ठीक है। देन हाउएवर नेवर रीच द डेस्टिनेशंस स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड अ स्टीमर स्ट्राइक दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्लंटली बीटन अप। लेकिन तब भी वो कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए, मतलब अपने घर पहुंच नहीं पाए, ठीक है, उन्हें रेलवे पे ही पकड़ लिया गया और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। The vision of these movements were not defined by the Congress. अब ये जो जितनी भी movements हो रही थी, they were not defined by the Congress. इनको Congress define नहीं कर रही थी, ठीक है। दे इंटरप्रिटेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। इन्होंने अपने से ही अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना ली स्वराज की, कि स्वराज क्या है। स्वराज जो था भी नहीं, उन्होंने खुद सोच लिया कि स्वराज ये है, स्वराज वो है, अपने अपने मतलब के हिसाब से। Imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over, ठीक है, उन्होंने स्वराज को कैसे लिया, एक ऐसे समय की तरह लिया, अगर हम स्वराज की स्वराज में कॉपरेट करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें सारी सफरिंग बंद हो जाएगी, जिस सारे दुख बंद हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। येट वेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जीज नेम एंड रेज्ड स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेट to all Indian aggression, ठीक है? Yet जब सबने जितने भी tribal people से जितने भी लोग थे उन्होंने गांधी जी का name chant किया, गांधी chant मतलब कि गांधी जी का नाम लिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत का slogan किया, तो everyone were emotionally attached to India, ठीक है, इंडिया के हर social group से, इंडिया के हर social problem से everyone was attached, ठीक है, so basically उनका सबका अपना अपना मतलब था, but still there was a patriotic feeling in their heart. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. ठीक है, तो जब वो महात्मा गांधी के नेम पे एक्ट कर रहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी के कहीं मतलब महात्मा गांधी के नेम पे, महात्मा गांधी के नाम पे कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने अपने मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन से जोड़ा, कांग्रेस से जोड़ा, ठीक है, तो देवर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द इमीडिएट लोकेलिटी। तो उनको ये समझ आ रहा था कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं जो शायद वो अपने बस में नहीं कर पाते, ठीक है, वो उनकी बेसिकली उनकी हद से ज्यादा चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, स्वराज इन प्लांटेशंस, ठीक है, तो ये आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, प्लांटेशन वर्क्स इन आसाम, आसाम में क्या हो रहा था प्लांटेशन वर्कर्स के साथ, ठीक है, वो कैसे सफर कर रहे थे, ठीक है, तो कैसे सफर कर रहे थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, उनको एक कन्फाइंड प्लेस के अंदर बंद कर दिया गया था, वहां से आने जाने पे रोक था, ठीक है, तो इसके लिए मैं दिखा देती हूँ, सॉरी, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है,
हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? वर अनहैप्पी, अनहैप्पी बिकॉज दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर प्लांटेशन लैंड। अकॉर्डिंग टू क्या, किस अकॉर्डिंग टू क्या रूल था, क्या एक्ट था जिसके वजह से उनको ऐसे बिहेव करना पड़ा था, उनको उसी जगह पे रहना पड़ रहा था? इंग्लैंड, इमिग्रेशन एक्ट के कारण, राइट? है ना, क्या कब निकला था ये? 1859 में, ठीक है। दे रेयरली गॉट एनी परमिशन टू गो होम, ठीक है। वेन दीज पीपल हार्ड ऑफ स्वराज द लेफ्ट द प्लांटेशन लैंड स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स देयर होम, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट दे नेवर बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। है ना, सो दिस वॉज इट, ओके फाइन, दिस वॉज इट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थी कुछ, ठीक है। इसके बाद टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस हम बाद में करेंगे, अगली वीडियो में। सो थैंक यू एवरीबॉडी।